24 अगस्त को इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में चूड़ी बेचने वाले तस्लीम नामक युवक से मारपीट और वायरल वीडियो के मामले में शिकायत दर्ज कराने गए मुस्लिम समाज के लोगों पर बाणगंगा थाना पुलिस द्वारा जिला बदर की कार्यवाही के विरोध में शनिवार को मुस्लिम समुदाय के 10 संगठनों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि तहसीलदार अजय हिंगे को सौंपा, जिसमें बताया गया कि 22 अगस्त को इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में चूड़ी बेचने वाले के साथ मारपीट हुई और मारपीट के मामले में जब मुस्लिम समाज के लोगों ने शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंची तो बाणगंगा थाना पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज कराने गए मुस्लिम समुदाय के लोगों पर कार्यवाही की गई, जो निंदनीय है। पुलिस ने तस्लीम चूड़ी बेचने वाले समेत FIR में उसकी मदद करने वाले मुस्लिम समाज के लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। उक्त मामले में इंदौर पुलिस ने अन्यायपूर्ण कार्यवाही करते हुए नामी सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक एक्टिविटी और मजहबी लोगों पर भीड़ जमा करने पर चक्का जाम करने और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने जैसी धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। ज्ञापन में मुस्लिम समुदाय ने मांग की है कि इंदौर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही को वापस लिया जाए, साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो आने वाले समय में मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरेगा और विरोध प्रदर्शन करेगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान SDPI कांग्रेस पार्षद दल, AIM मुस्लिम इंतजामिया कमेटी, सर्व मुस्लिम समाज, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग सहित 10 संगठन शामिल थे। देखिए, पिछले 22 तारीख को जो इंदौर में घटना हुई, चूड़ी वाले के साथ मॉब लिंचिंग हुई और उसको बगैर कुछ FIR दर्ज किए छोड़ दिया गया पुलिस ने। उसके बाद वहाँ के इंदौर के जो विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी थे, उसमें SDPI के भी थे, कांग्रेस के पार्षद भी थे, एक डॉक्टर भी थे, कोरोना योद्धा भी थे उसमें, उन लोगों ने जब FIR दर्ज कराने उसको ले गए पीड़ित को, तो प्रशासन ने उल्टा उन्हीं के खिलाफ जिला बदरी कार्रवाई कर दी, जो कि एक असंवैधानिक है और इस तरह की कार्रवाई की हम निंदा करते हैं और जो जिला बदरी कार्रवाई जो की गई है उसको वापस लेने की हम प्रशासन से मांग करते हैं, क्योंकि जो लोग FIR दर्ज कराना हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमें संविधान ने दिए हैं राइट्स, अगर हम FIR दर्ज नहीं कराएंगे तो कहाँ जाएंगे? जब उस पीड़ित के साथ अन्याय होगा तो उसको लेकर थाने जाया जाएगा, अगर थाने से भी रवैया अगर मिलेगा तो किस तरीके से हम इंसाफ की मांग कर सकते हैं? इसीलिए हम लोग यहाँ जमा हुए विभिन्न संगठन नीमच के अंदर, तमाम मुस्लिम और राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल संगठन, समाज सेवी, कि उस कार्रवाई को, जिला बदर की कार्रवाई को वापस लिया जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ जमा हुए। आज तकरीबन एक दर्जन करीब संगठन उसमें शामिल हैं, उसमें SDPI है, बहुजन मुक्ति मोर्चा है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है, अपने क्या नाम है, MIM है, SDPI है, और जो बिरादरियाँ हैं, जो समाज है, वो संगठन भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम सब ने मिलकर इस संयुक्त ज्ञापन दिया है कि उस जिला बदरी कार्रवाई को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, अन्यथा नहीं तो बड़ा हमें आंदोलन करना पड़ेगा। नदीम अख्तर, प्रदेश महासचिव SDPI नीमच।